गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच अबाउट यू रिसोर्सेज प्लानिंग। संसाधन किस तरह से प्लान किया जाता है, किस तरह से योजना संसाधन की बनाई जाती है, या संसाधन किस तरह से योजना के माध्यम से मानव विकास में प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब योजना, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे पास में प्रोसेस रिसोर्सेज होते हैं, हम उनका प्रयोग बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से निर्णायक रूप में करते हैं। दिस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट इन ए कंट्री विद डाइवर्सिफाइड। किस तरह से हमारे देश में महत्वपूर्ण रूप से संसाधन जो हैं वो व्याप्त हैं, रिसोर्सेज लाइक इन इंडिया, भारत में, हमारे देश में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एन अर्जेंट नीड फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग एट नेशनल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से संसाधनों की तुरंत आवश्यकता या शीघ्र आवश्यकता होती है। द टेक्निक अडॉप्ट फॉर द अप्रोप्रिएट यूज of resources is called resources planning. इन संसाधनों को प्रयोग में लाने के लिए हमें एक reliable technology का use करना पड़ता है। Resources planning at the national, state and local level is a complex task. विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का प्रयोग करना एक कठिन कार्य होता है। विच हैज़ फॉलोइंग स्टेप्स, जिस जो कि हमें विभिन्न स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग दी टेबुलेटिंग रिसोर्सेज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देखेंगे सभी हमारे देश के अंदर सभी स्थानों पर समान रूप से कोई भी संसाधन नहीं पाया जाता है। मेकिंग रीजनल सर्वे मैप्स एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड दे हैव टू बी मेजर्ड, यानी कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्रोसेस के थ्रू हम इन्हें मेजर करते हैं कि किस क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन व्याप्त हैं। टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अभी हमें क्या करना, उपयुक्त टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, हम इन सभी संसाधनों को प्रयोग करने के लिए विकसित योजना बनाते हैं, जिसके कारण कोई भी संसाधन मानव कल्याण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स एंड नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सहयोग करना या दिशा निर्देशन में, यानी कि हमारे विकास के निर्देशन में, डेवलपमेंट में रिसोर्सेज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट है, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, रिसोर्सेज फाउंड इन उत्तर प्रदेश। देखेंगे उत्तर प्रदेश में, सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश का ही एग्जांपल, फॉरेस्ट, सॉयल, कैटल, यानी कि ये भी हमारी तरह क्या काम करते हैं, एक संसाधन का काम करते हैं। अब देखेंगे इसमें एक चीज़ नोट करके ज़रा ध्यान से देखें, नॉट फाउंड रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, यानी कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी रिसोर्सेज नहीं पाया जाता है, जैसे कोयला, मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब खनिज, खनिज भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ऑयल एंड नेचुरल गैस, यानी कि हमारे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी हमारे देश में संसाधन पाए जाते हैं।